नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ का जो एग्रीकल्चर करेंट अफेयर है 2022 का, वो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं विथ एमसीक्यू विथ थ्योरी एक्सप्लेनेशन। तो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर फरवरी मंथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी हम कवर करेंगे, कुछ भी यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है क्वेश्चन फॉर्मेट में। देन फिर उसकी पूरी डिटेल कहीं और से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो IBPS मैराथन लेक्चर कोर्सेज हैं वो भी आने वाला है, उसके बारे में अलग से बता दूंगा। सारी चीज़ें जो हैं क्या क्या इसके अंदर हम देने वाले हैं, 20 नवंबर से वो हमारा कोर्स शुरू होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हाउ मच फंड एलोकेटेड इन एग्रीकल्चर यूनियन बजट टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 2022-23 अंडर हर घर नल से जल। मतलब हर घर नल से जल जो योजना है उसमें जो एग्रीकल्चर यूनियन बजट था 2022-23 का, उसके अंदर कितना जो है पैसा दिया गया, कितना फंड एलोकेट किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। कितना फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया है, तो 60,000 करोड़ जो है फंड यहाँ पर एलोकेटेड किया गया है इसके लिए, हर घर नल से जल योजना के लिए। इसके पूरी डिटेल्स हम देखते हैं क्या है ये योजना, ठीक है। याद रखना, हर घर नल से जल योजना के लिए 2022-23 के लिए कितना फंड दिया गया है, 60 करोड़ रुपए। कितने हाउस होल्ड के लिए, तो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड के लिए दिया गया है। अब एलोकेशन ऑफ 60,000 करोड़ ये, ठीक है, किसके लिए, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड के लिए, हर घर नल से जल योजना स्कीम के तहत दिया गया है। ये जो योजना है बच्चों, ये जो योजना है 2019 में लॉन्च हुई थी। कब, 2019 में हर घर नल से जल योजना की शुरुआत हुई थी। इसकी जो एजेंसी है वो कौन सी है, नोडल एजेंसी या फिर मिनिस्ट्री बोल सकते हो, वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल इस मिनिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, ठीक है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, जो RHO और SSDO और जो DM की, उसके अंदर जल शक्ति से कम 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, करंट के पार्ट से भी और जनरल पार्ट से भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति से रिलेटेड जो स्कीम है वो भी, और ये मिनिस्ट्री भी। तो ये भी पूछा जा सकता है, हर घर नल से जल स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, ठीक है। मैं पिछले वाले मंथ में, जनवरी मंथ में पूरी मिनिस्ट्री भी बता चुका हूँ। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है वो इसके मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। एम क्या है इसका, इसका एम है टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर एवरी रूरल होम बाई 2024। मतलब कि 2024 तक सबको ड्रिंकिंग वाटर पाइप के थ्रू पहुंचा देना, नल मतलब कि वही पाइप के थ्रू हर घर में पहुंचा देना 2024 तक, ये इसका एम है, उद्देश्य है। ये कंपोनेंट द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन, और ये किसका कंपोनेंट है, ये किसका कंपोनेंट है, तो जल जीवन मिशन का ये कंपोनेंट है, ये पार्ट हम बोल सकते हैं जल जीवन मिशन का, गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसका। तो समझ में आ गया, नल से जल योजना पूरी क्या है ये हमने समझ लिया, और यूनियन बजट 2022-23 के इसमें कितना फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे यूनियन बजट को भी समझ लेते हैं, जो एग्रीकल्चर यूनियन बजट है हमारा उसको भी समझ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे करेंट अफेयर, बट हमें उसकी सारी डिटेल्स भी, आसपास की सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो नल से जो हर घर से नल योजना है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, और ये यूनियन बजट वाले पार्ट है तो यूनियन बजट भी थोड़ा सा देख लो। एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 1,32,513 करोड़ रुपये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए के अंदर जो है एलोकेट किए गए, दिए गए कि 1,32,313 करोड़, ठीक है, 513 करोड़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के लिए यहाँ पर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए दिए गए। अब 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट दिया गया, कितने फार्मर को, 1.67 करोड़ फार्मर को डायरेक्ट, मतलब उनके डायरेक्ट उनके खाते में पैसा यहाँ पर ट्रांसफर किया गया वीट और पेडी के प्रोक्योरमेंट के लिए। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री, इनिशियल फोकस ऑन फार्मर लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग द रिवर ऑफ गंगा। जो गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी के पास आई साइड में, ठीक है, मान लो हमारी गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी के ये 5 किलोमीटर का जो है पूरा कॉरिडोर,
नेचुरल फार्मिंग मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए पूरा उन्होंने क्या किया यहाँ पर प्रमोट किया कि भाई यहाँ पर गंगा नदी के जो आइट साइड वाली जो 5 किलोमीटर तक की जगह है वहाँ पर बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। नाबार्ड टू फैसिलिटेट द फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस। अब नाबार्ड जो है वो सुविधा देगा कि जो एग्रीकल्चर और बाकी रूरल एंटरप्राइजेस है वो क्या करें स्टार्टअप शुरू करें, उसके लिए वो नाबार्ड सुविधा देगा उसकी। किसान ड्रोप फॉर क्रॉप असिस्टेंस, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड न्यूट्रेंट। तो किसान ड्रोन के लिए जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रेयर के लिए भी क्या इस फंड के थ्रू इसमें जो है फंड एलोकेट किया गया है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर यूनियन बजट के अंदर चीजें सारी दी हुई हैं। फिर केन बेतवा प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर है, केन बेतवा प्रोजेक्ट दोनों नदियां जो है वो कहाँ की है, एमपी की है, और इनके लिए जो है कितना फंड रेज किया गया है 1400 करोड़ रुपए। ठीक है, और कितना इरिगेशन यहाँ पर जो कवर होगा तो 9 लाख हेक्टेयर, 9 लाख हेक्टेयर जो है फार्मर्स की जो जमीन है वहां पर इनको इरिगेशन जो है प्रोवाइड इस केन बेतवा प्रोजेक्ट के थ्रू मिलेगा। 6407 करोड़ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री, मतलब 6400 करोड़ किसको दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को अलोकेट किए गए। एमएसएमई की बात करो तो उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल टू बी इंटरलिंकिंग, इन सारे पोर्टल को क्या किया गया इंटरलिंक कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। 130 लाख एमएसएमई प्रोवाइड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके थ्रू लगभग 130 एमएसएमई प्रोवाइड एडिशनल उनको क्रेडिट दिया गया है। ठीक है, ये 2 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई, ये जो गारंटी स्कीम है 2 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यही हमारा क्या रहेगा पैटर्न है, जैसे हमने पिछले मंथ में पढ़ा था इस मंथ में भी हम वही उसी पैटर्न को क्या कर रहे हैं थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम क्या करें क्वेश्चन के साथ साथ जो है थोड़ा सा उसका पूरा डिटेल भी समझ सके, ताकि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन उस पार्ट से पूछा जाए तो बने। अब जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला है, एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग 2021-22, 2021-22 में जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट किया गया था उसमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना रिकॉर्ड किया गया। तो जरूरी नहीं कि फूड ग्रेन का पूछा जाए, राइस का पूछ ले, व्हीट का पूछ ले, ऑयल सीड का पूछ ले, सुगर केन का पूछ ले, तो क्वेश्चन के साथ इसीलिए मैं जो है पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर कवर करता हूँ। तो यहाँ पर 2021-22 में जो है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना रहा था, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन रहा था 316.06 मिलियन टन, 316.06 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन रहा था किसका, फूड ग्रेन का, किसके लिए, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 के लिए। अब इसका पूरा डिटेल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस किस क्रॉप का कितना प्रोडक्शन यहाँ पर रहा है। ठीक है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट की बात करें हम, ठीक है, तो फूड ग्रेन कितना रहा 316.06 मिलियन टन। राइस का देखो, राइस का कितना है, ये तो फूड ग्रेन, अब फूड ग्रेन के अंदर देखो क्या चीज आती है, राइस भी आता है, वीटी भी आता है, न्यूट्री भी आता है, मेच भी आता है, पल्सेस भी आता है, तुअर भी आता है, ग्राम भी आता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं सीरियल और पल्सेस, फूड ग्रेन क्या होता है, सीरियल और पल्सेस दोनों को मिला लो, सीरियल प्लस पल्सेस, सीरियल और पल्सेस दोनों को हम मिलाते थे, इसको हम फूड ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो राइस की बात करें तो राइस का प्रोडक्शन कितना था सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में, 127.93 मिलियन, मतलब बोल सकते हैं 128 मिलियन टन। ठीक है, वीट का कितना था 111.32 मिलियन टन। न्यूट्री या कोर्स सीरियल जिसके अंदर रागी, कोदो, कुटकी वगैरह आती है, इसका लगभग रहा था 50 मिलियन बोल सकते हो आप। मैच का 32.42 मिलियन टन था, पल्सेस का 26 मतलब 27 बोल सकते हो 27 मिलियन टन, तुअर का 4 मिलियन टन रहा है, अरहर जिसको बोलते हैं, ग्राम का 13.12 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से फूड ग्रेन के अलावा जो है ये फूड ग्रेन का जो है प्रोडक्शन रहा है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में, उसी तरह से ऑयल सीड का जो है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 की बात कर रहे हैं उसमें ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन रहा है वो 37.15 मिलियन टन रहा है। और ऑयल सीड के अंदर आप देखोगे ग्राउंडनट, सोयाबीन और रेपसीड ये आते हैं, और भी हैं पर मेजर ग्राउंडनट, सोयाबीन और रेपसीड है। ग्राउंडनट का देखोगे लगभग 10 मिलियन टन रहा है, 13 मिलियन टन सोयाबीन का रहा है, और रेपसीड का लगभग 11.46 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन रहा है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अंदर।
शुगर केन का पूछा जाता है, इसको याद रखना। मेजरली जैसे फूड ग्रेन का पूछते हैं, राइस का पूछते हैं, व्हीट का पूछते हैं, शुगर केन का पूछते हैं, कॉटन का पूछते हैं, जूट का पूछते हैं। मेजर मेजर ऑयल सीड का आपसे पूछा जा सकता है टोटल का, और फूड ग्रेन का आपसे पूछा जा सकता है, राइस का, व्हीट का पूछा जा सकता है। तो शुगर केन का लगभग 414.04 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में शुगर केन का प्रोडक्शन। कॉटन का 34.06 मिलियन बेल, ठीक है, यहाँ पर ईच बेल जो है 170 केजी की होती है, ये हमने क्रॉप के अंदर भी पढ़ा है। वैसे जूट और मेस्टा में भी बेल चलता है, तो 9.57 मिलियन बेल जो है प्रोडक्शन रहा है जूट और मेस्टा का, और ये 180 केजी की एक बेल होती है। तो ये था प्रोडक्शन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 का क्या था, ठीक है। तो पूरा डिटेल हमें समझना है क्वेश्चन के साथ, कि इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो वो सारी चीज़ हमसे बने। थर्ड क्वेश्चन है, एशिया बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन स्टैब्लिश इन विच सिटी। तो एशिया का जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, उसका प्लांट जो है गोवर्धन जो स्कीम है उसके थ्रू किस सिटी में स्टैब्लिश किया गया। तो याद रखना ये जो है वो जो प्लांट है बायो सीएनजी प्लांट दिख रहा है, और ये कहाँ पर है इस्टैब्लिश किया गया, ये रखना इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, इंदौर एमपी के अंदर इस्टैब्लिश किया गया, और इसका उद्घाटन जो था इनॉग्रेशन जो है हमारे मोदी साहब ने किया था। इसकी थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं, कहाँ कब कैसे क्या इसको किया गया। तो वही है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेट एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन, ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया, नरेंद्र मोदी साहब ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। मतलब गोवर्धन का मतलब क्या है, यहाँ पे गोवर्धन का मतलब यह है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है, गोबर का भी यहाँ पे फुल फॉर्म है। प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ 150 करोड़, कितनी कॉस्ट का था ये, 150 करोड़ कॉस्ट का, इन इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर बायो सीएनजी जो है गोवर्धन प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया इंदौर के अंदर, और इसका इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी साहब ने किया। प्रिंसिपल ऑफ बायो सीएनजी प्लांट इज टू इम्प्लीमेंटेड वेस्ट टू वेल्थ, प्रिंसिपल क्या था, वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज रिकवरी। तो वही है ना, लोकल फॉर वोकल वाला कॉन्सेप्ट। तो जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, पैसों में कन्वर्ट करने वाली बात है, जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया और उससे गैस बनाई, तो क्या होगा, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया। तो प्रिंसिपल भी याद रखना। ये प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, लगभग 17,000 से 19,000 केजी ऑफ बायोगैस एंड 100 टन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट पर डे। देखो कितना गैस तो मिल ही रही है, गैस के साथ साथ क्या चीज़ मिल रही है, बायोगैस तो मिल रही है, कितना, 17,000 से 19,000 केजी बायोगैस मिल रही है, उसके साथ ही लगभग 100 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रतिदिन यहाँ पर मिल रही है। तो उसका भी क्या होगा, सेल होगा, वहाँ से भी पैसा आएगा, इसलिए इसको वेस्ट टू वेल्थ बोला गया। प्लांट हैज द कैपेसिटी टू ट्रीट 550 टन पर डे ऑफ सेग्रीगेटेड वेट ऑर्गेनिक वेस्ट। देखो कैपेसिटी कितनी है, ट्रीट कर सकता है कितने वेस्ट को, ये ट्रीट करेगा 550 टन पर डे सेग्रीगेटेड वेट ऑर्गेनिक वेस्ट को ये ट्रीट करेगा, जैसे कि जिसके अंदर क्या आएगा, फ्रूट, वेजिटेबल, रॉ मीट हो गया, स्टेबल फूड हो गया, ग्रीन लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गए। द प्लांट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो लैंड फिल मॉडल। ये भी याद रखना है किस मॉडल पर बेस्ड है, तो जीरो लैंड फिल मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। फिर ये तो याद रखना ही है, प्रिंसिपल क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। तो ये जैसे फ्रूट का हो गया, वेजिटेबल का हो गया, रॉ मीट हो गया, स्टेबल फूड हो गया, ग्रीन लीव, फ्लावर हो गया, इनको ट्रीट करने की कैपेसिटी कितनी है, 550 टन के आसपास, ठीक है। तो क्या है ये बायो सीएनजी गोवर्धन, पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस इसको किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इनिशिएट द किसान ड्रोन यात्रा एंड फ्लैगशिप ऑफ 100 किसान ड्रोन। मतलब कि किसने किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की और लगभग 100 किसान ड्रोन को 100 अलग अलग या फिर अलग अलग स्टेट के विलेजेस में, 100 विलेजेस में इसको दिया गया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत की थी गरुड़ा एरो स्पेस ने, याद रखना गरुड़ा एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की, और लगभग 100 किसान ड्रोन को क्या किया था, अलग अलग गाँव में बांटा गया था, ठीक है, समझते हैं इसको। तो पीएम मोदी ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था, इस यात्रा को याद रखना,
मतलब ऑनलाइन जो है मोदी साहब ने इसको इनोग्रेट किया था, इस यात्रा को, किसान ड्रोन यात्रा को, और 100 किसान ड्रोन सप्लाई किए गए थे पेस्टिसाइड्स इन फार्म टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन फार्म। तो फार्म पर पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए 100 जो है क्या ड्रोन भी सप्लाई किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द किसान ड्रोन यात्रा एंड इनिशिएटिव बाई गरुड़ा एयर स्पोर्ट्स ए क्या था एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो गरुड़ा एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है उसने इसकी शुरुआत की थी। फ्लैगशिप ऑफ 100 किसान ड्रोन इन वेरियस सिटी टाउन अक्रॉस द इंडिया टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन फार्म ऑफ अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग सिटीज में या टाउन में लगभग 100 किसान ड्रोन को क्या किया गया था, सप्लाई किया गया था अलग अलग स्टेट्स में, मतलब जो पूरे इंडिया को कवर करते हैं। स्पेशल इनिशिएटिव एम टू सपोर्ट द फार्मर अक्रॉस द इंडिया, क्या था फार्मर को सपोर्ट करना, इसका मेन एम था। 100 किसान ड्रोन इन्होंने सेटअप किए थे 100 विलेज और 16 स्टेट के अंदर, 16 स्टेट मतलब 16 राज्यों के अंदर लगभग 100 गांवों में इन्होंने क्या किए थे, 100 किसान ड्रोनों को सप्लाई किया था, और विच इज इंक्लूड, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा भी इंक्लूड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉट 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 स्टाब्लिश एक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडियाज वाटर क्राइसिस, जो इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए इक्वा मैप सेंटर स्टाब्लिश किया गया था। ये जो देख रहे हो डिवाइस आपको, ये इक्वा मैप है, ये तो वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंडिया के अंदर इक्वा मैप सेंटर को स्टाब्लिश किया गया था। तो किसने किया था, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने ये स्टाब्लिश किया इक्वा मैप। ठीक, चलिए थोड़ा सा डिटेल इसकी देख लीजिए क्या है। आईआईटी मद्रास स्टाब्लिश इक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडियाज वाटर सप्लाई क्राइसिस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज सेट अप एन इंटर डिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर नेम्ड इक्वा मैप। इक्वा मैप क्या था ये, तो इंटर डिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर है। को अगर इक्वा मैप को थोड़ा इलेबोरेट करें तो क्या है वो, इंटर डिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर, जिसको इक्वा मैप बोला गया। प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट एम टू इंप्रूव द इंडियाज वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करना, प्रोवाइड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देना, सेटिंग अप वाटर इनोवेशन विलेज। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ वाटर प्रॉब्लम्स थ्रू ए कंसोर्टियम अप्रोच, सेटिंग अप ए हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स लेबोरेटरी टू प्रोवाइड स्मार्ट सोल्यूशन टू टैकल वाटर रिलेटेड इशू। तो कुल मिला के जो वाटर क्राइसिस है उसके रिलेटेड इशूज है, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए इक्वा मैप बनाया गया। किसने किसने बनाया, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडिया टू रिप्लेस डीजल विथ रिनेबल एनर्जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था नेक्स्ट मतलब प्रीवियस मंथ में जनवरी के अंदर। तो डीजल को हम रिप्लेस कर देंगे रिनेबल एनर्जी से कब तक, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बात हो रही है। एग्रीकल्चर के अंदर हम डीजल का जो यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में कई मशीनरियों में डीजल का यूज होता है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, रिनेबल एनर्जी से, चाहे सोलर पंप हो या कोई और चीज़ हो। ठीक है, तो कब तक कर देंगे, तो 2024 तक, 2024 तक हम जो है डीजल का इस्तेमाल कम करके जो है रिनेबल एनर्जी को यूज करना शुरू कर देंगे। और 2030 तक की बात बोली है मोदी जी ने कि 2030 तक हम 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेस के। ठीक है, ताकि कार्बन का एमिशन कम हो और जो पॉलिनेशन है, प्रदूषण है, वो कम किया जा सके। ठीक है, तो ये बोला है इंडिया टू रिप्लेस डीजल विथ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2024। तो 12 फरवरी 2022 में वर्चुअल मीटिंग हेल्ड टू डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टुवार्ड अचीविंग द इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन गोल एंड मीटिंग क्लाइमेट कमिटमेंट। यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह, पावर मिनिस्टर है आर के सिंह, पॉइंटेड आउट डेट इंडिया विल अचीव द टारगेट जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर, रिप्लेस फॉसिल फ्यू रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2024। मतलब एक वर्चुअल मीटिंग हुई 12 फरवरी 2022 को, उसके अंदर कई सारे डेलीगेट्स थे और वहाँ पे पावर मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, ऊर्जा मंत्री थे आर के सिंह, उन्होंने पॉइंटेड आउट किया और बोला कि हम जीरो डीजल हो जाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर 2024 तक। ठीक है, क्या है इसका मेन पर्पज, क्या है, पार्टिसिपेट इन फुलफिलिंग द इंडियाज क्लाइमेट
कमिटमेंट, जो क्लाइमेट कमिटमेंट, एनी स्टेट इन टेरिटरी कैन बी असाइन एनर्जी सेविंग टारगेट। तो वही बात है, जो क्लाइमेट चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, कार्बन का इमिशन जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज पार्टनर विथ विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म द सीफ फार्मिंग सेक्टर। सीफ फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने किसके साथ जो है पार्टनरशिप असाइन की या MOU साइन किया, तो वो है न्यूजीलैंड, याद रखना। न्यूजीलैंड के बाद G2C इसको बोला जाता है, G2C, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया था यहाँ पर, पार्टनरशिप की किसके लिए, शिप फार्मिंग सेक्टर के लिए न्यूजीलैंड के साथ, ठीक। थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए इसकी, कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट साइन पैक्ट विथ न्यूजीलैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शिप फार्मिंग फैक्टर, ठीक है, शिप फार्मिंग फैक्टर यूनियन टेरिटरी ऑफिशियल सेट। द एग्रीमेंट बिटवीन टू साइट वॉज साइन थ्रू द वर्चुअल मोड इन द प्रेजेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड नवीन चौधरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल्स। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है ये फर्स्ट वाली लाइन, कि किसके साथ यहाँ पर फिश फार्मिंग सेक्टर के लिए जो है पार्टनरशिप हुई है, तो न्यूजीलैंड के साथ हुई है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस एग्री सीज फॉर क्रूड पाम ऑयल। क्रूड पाम ऑयल के लिए जो है एग्री सीज जो है वो कम कर दिया गया है, तो कितना कम कर दिया गया है वो देखना है। कितना था, 7.5% था, 7.5% से कितना कम कर दिया गया है, तो याद रखना 5%, पहले 7.5 था, अब हो गया है 5%, तो कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो 2.5% कम हुआ है, लेकिन 7.5 से कहाँ कितना हो गया है, तो 5 हो गया, तो आंसर यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। पूछा क्या गया, ये रिड्यूस हुआ है, पहले कितना था 7.5, तो रिड्यूस होकर कितना हो गया 5। अगर ये पूछा जाए कि कितना कम किया गया है, तो 2.5% कम किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस के पैटर्न को बदल कर, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द एग्री सीज फॉर क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम 7.5 to 5 विद इफेक्ट फ्रॉम 12th of February 2022। 12 फरवरी से ये कितना कर दिया गया है, 7.5 से 5 कर दिया गया है, ठीक है। फॉलोइंग द रिडक्शन ऑफ एग्री सीज द इम्पोर्ट टैक्स गैप बिटवीन क्रूड पाम ऑयल एंड रिफाइंड पाम ऑयल हैज बीन इंक्रीज 8.25%। तो जो क्रूड पाम ऑयल और जो रिफाइंड पाम ऑयल है, इनके बीच में जो इम्पोर्ट का जो गैप है वो कितना इंक्रीज हो गया, 8.25% इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द करेंट बेसिस रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 0% क्रूड पाम ऑयल के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 0% कर दी है। क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल टिल September 30, 2022। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक्सटेंड किया है करंट बेसिक रेट, मतलब जो ड्यूटी है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 0% है, इसको एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2022 के तक। किस किस के लिए, क्रूड पाम ऑयल के लिए, क्रूड सोयाबीन ऑयल के लिए और क्रूड सनफ्लावर ऑयल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 0% ही रहेगी सेप्टेम्बर तक। विच स्टेट प्रेजेंट फर्स्ट एवर सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एग्रीकल्चर का अलग से बजट पेश किया कैबिनेट के अंदर, ठीक है, जिसने अलग से अपना एक अलग एग्रीकल्चर का अलग से बजट दिया। वैसे तो यूनियन बजट दिया जाता है जिसके अंदर सब कुछ रहता है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसने एग्रीकल्चर का अलग से बजट पेश किया, तो वो है कौन सा, राजस्थान। राजस्थान ने जो है अलग से जो है एग्रीकल्चर का बजट पेश किया था इस साल। देखो, राजस्थान जो फर्स्ट एवर एग्रीकल्चर बजट सेपरेट प्रेजेंटेड विद दी प्रोविजन ऑफ कितना, 4,127 करोड़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, 5,000 करोड़ जो है उन्होंने कृषि साथी योजना जो उनकी चलती है उसमें इन्होंने अलग से पेश किया गया था। कृषि साथी के लिए पहले इन्होंने 2,000 करोड़ बजट अलोकेट किया था लास्ट ईयर, इस बार 5,000 करोड़ किया। 2,700 करोड़ बजट फॉर द राजस्थान माइक्रो इरीगेशन मिशन के लिए अलोकेट किया गया, जिसके अंदर 5,00,000 फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। लगभग 1,439 करोड़ हैज मेड फॉर द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड 574 करोड़ फॉर द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। तो ये राजस्थान का अलग से बजट पेश किया गया था, कहाँ पर, उनकी कैबिनेट में, ठीक है। वैसे तो यूनियन बजट के साथ ही सब कुछ आ जाता है, बट इन्होंने अलग से पेश किया, तो कितना क्या बजट इन्होंने अलोकेट किया था सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम इसका सिर्फ संपदा था। ये कब लॉन्च हुई थी? 2017 में। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन एक्सटेंडेड टिल, इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? तो इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। 2017 में ये लॉन्च हुई थी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझिए। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है ये 2025-26 मतलब मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेट, लगभग कितना इसके अंदर फंड एलोकेट किया गया है? 4,600 करोड़ रुपए। मतलब इसको 2026 तक एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन फंड कितना दिया गया? साथ ही इसमें फंड दिया गया है 4,600 करोड़ रुपए, फंड भी इसके अंदर दिया गया है। ये जो स्कीम कब लॉन्च हुई थी, देखो पहले इसका नाम था संपदा। संपदा का मतलब समझो, ये संपदा का मतलब स्कीम फॉर एग्रो मेरिन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर, ये था इसका पहले नाम, जो 2017 में लॉन्च की गई थी 600 करोड़ अलोकेशन के साथ, 600 करोड़ फंड के साथ। ठीक है, तो 2017 में लॉन्च की गई थी, नाम क्या था उसका? संपदा था। अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया और 4,600 करोड़ का बजट इसके अंदर दिया गया। 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। देखो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब देखो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का मतलब क्या है कि किसान मान लो कोई बीमा करवाता है, ठीक है, अपनी फसलों का बीमा करवाता है या किसी चीज़ का क्लेम करता है, तो उसको पूरी जानकारी नहीं होती है कि भैया क्या हुआ, मुझे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि मेरे बीमा का क्या हुआ, मैंने जो क्लेम किया था उसका क्या हुआ। तो ये जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ वाला जो डोर स्टेप प्रोग्राम आया है, इससे किसान को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसने जो क्लेम किया था उसका क्या हुआ, उसने जो बीमा करवाया था उसका क्या हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन उसको जानकारी मिलेगी। तो ये किसके द्वारा लाया गया? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद रखना, जो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है ये लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। देखो गवर्नमेंट इंटर इट्स 7th ईयर ऑफ इंप्लीमेंटिंग फसल बीमा योजना, 7 साल हो गए, 2016 में लॉन्च हुई थी और 2022 अभी चल रहा है, तो लगभग 7 साल इसको हो गए हैं। ठीक है, टू लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरा हाथ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, तो इन्होंने 7 साल पूरे होने पर इन्होंने एक नया सिस्टम इसके अंदर लॉन्च किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, कि यहां पर क्या होगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर्स ऑल इंप्लीमेंटिंग स्टेट इन द अपकमिंग खरीफ सीजन। अपकमिंग खरीफ सीजन मतलब जून जुलाई में, वो सारी जून जुलाई 2022, अब करीब खरीफ सीजन में ये पूरी तरीके से हो जाएगा। इसके अंदर है क्या एम, क्या इसका उद्देश्य क्या है? ऑल फार्मर आर वेल अवेयर एंड इक्विप्ड विद ऑल इंफॉर्मेशन ऑन देयर पॉलिसी लैंड रिकॉर्ड प्रोसेस ऑफ क्लेम एंड ग्रेवियंस रिड्रेसल अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर वो क्लेम कर रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसका क्लेम का क्या हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी इसके थ्रू उसको मिलेगी। इसलिए ये जो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ वाला कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन $115 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर विच प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $115 का जो है एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने $115 मिलियन का क्या किया, एग्रीमेंट किया, किस प्रोजेक्ट के लिए? तो वो प्रोजेक्ट है रिवॉर्ड। ठीक है, रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए ये लगाया गया। अब रिवार्ड प्रोजेक्ट जो है वो रिलेटेड है वाटर सेट से। ठीक है, रिवार्ड का मतलब समझना पूरा क्या होता है, ये पूरा वाटर सेट से रिलेटेड है। तो समझो कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $115 मिलियन का एग्रीमेंट इन्होंने जो है साइन किया वो रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, तो ये हो जाएगा रिजुवेनाइटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है किसका, रिवार्ड का। तो उसके लिए जो है ये $115 मिलियन का जो एग्रीमेंट साइन हुआ किसके लिए, कर्नाटका एंड उड़ीसा विद द सपोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट।
तो कर्नाटका और उड़ीसा के लिए ये लाया गया है रिवाट प्रोजेक्ट, और जो कर्नाटका और उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, याद रखना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट के लिए, तो कर्नाटका और उड़ीसा के लिए ये रिवाट प्रोजेक्ट लाया गया था, वाटर सेट से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं टू इम्प्रूव नेचुरल फार्मिंग बीज प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड। तो नेचुरल फार्मिंग को और सुधार करने के लिए और बढ़ाने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नाबार्ड ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो वो प्रोग्राम कौन सा है? वो प्रोग्राम है जीवा प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है? जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया था नाबार्ड ने नेचुरल फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। समझिए क्या है पूरा ये प्रोग्राम। तो नाबार्ड लॉन्च जीवा प्रोग्राम, जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग अंडर इट एग्जिस्टिंग वाटर सेट एंड वाडी प्रोग्राम। तो वाटर सेट और वाडी प्रोग्राम के अंडर में नेचुरल फार्मिंग को अगर बढ़ाना है तो जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया था नाबार्ड ने। ठीक है, ये लिखा हुआ है 9 फरवरी 2022 को नाबार्ड ने क्या किया, जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया था वाटर सेट और वाडी प्रोग्राम के अंदर। कितने स्टेट में चल रहा है ये? 11 स्टेट में। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सोशल एंड नेचुरल कैपिटल टुवार्ड द इफिशियंट फार्मिंग। तो उद्देश्य क्या है इसका, कि जो एग्रो इकोलॉजी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, इसको सस्टेनेबल मतलब इसको सुधार करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसका क्या करना, लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक इसको बनाए रखने के लिए ही नेचुरल फार्मिंग करना है, तो उसके लिए जीवा प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल स्टार्टअप प्रोग्राम। कौन सा? एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम जो है ये एनुअल स्टार्टअप प्रोग्राम है, हर साल होता है, एनुअल स्टार्टअप प्रोग्राम है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। इसको लॉन्च किसने किया, किसके द्वारा किया गया? तो ये एक जो हमारी प्राइवेट बैंक है यस बैंक, उसके द्वारा यस बैंक एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम एनुअल स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, यस बैंक के द्वारा। अब समझिए इसके बारे में पूरी कहानी। तो ये यस बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया एनुअल स्टार्टअप प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। ठीक है, 14 फरवरी 2022 को प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा लेंडर है यस बैंक, इसने अनाउंस किया कि एनुअल स्टार्टर जो अनेबलर प्रोग्राम है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम, वो क्या करेगा? वो करेगा सिक टू को डेवलप्ड डिजिटल फाइनेंस सॉल्यूशन फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बाय मेंटरिंग इंटरप्रेन्योर वेंचर इन दी फील्ड। अब देखो क्या होता है इंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो हमारी उद्यमशीलता है, जो लोग बिजनेस करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उद्यमशीलता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए एग्रीकल्चर के अंदर या फूड के अंदर, फूड एग्रीकल्चर के अंदर जो वित्तीय सॉल्यूशन है, जो क्या होता है, जो ऋण की प्रॉब्लम्स आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो एग्री इन्फिनिटी जो है यस बैंक ने सॉल्व किया, यस बैंक का प्रोग्राम है। अब बैंक के प्रोग्राम क्यों लाती है? ताकि जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको पैसा दिया जा सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके उसके लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए था ये प्रोग्राम, याद रखना, इसकी मेच्योरिटी से लेकर 6 महीने तक ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक, अब ये SFAC मतलब क्या होता है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इन्होंने क्या किया, कौन सा ऐसा एक जो है बैंक है जिसने ई नाम पोर्टल के साथ जो है क्या किया, कोलोबरेट किया ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सके। तो ई नाम के साथ कोलोबरेशन करने वाला बैंक कौन सा है जिससे कि जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे सके? तो वो है इंडसलैंड बैंक। याद रखना, इंडसलैंड बैंक जो है वो बैंक है जिसके थ्रू, जिसको जो है ई नाम पोर्टल के साथ टाइप किया गया या कोलोबरेशन जो हुआ है इंडस बैंक के साथ, ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये समझिए, जो इंडस बैंक है, इंडस लैंड बैंक है, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विथ ई नाम प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सेफ एंड हैसल फ्री पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट सर्विस टू फार्मर एंड ट्रेडर्स। जो हमारे किसान है, जो व्यापारी है, इनको जो है फाइनेंशियल, चाहे जो भी फैसिलिटीज़ हो, है ना, चाहे सेटलमेंट हो या पेमेंट हो या क्लियरेंस हो, वो डायरेक्ट जो है मिल सके, इसलिए ई नाम के साथ जो है इसका इंडसलैंड बैंक को इंटीग्रेट किया गया है। अब इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी, डेबिट कार्ड, NEFT का, मल्टीनेट बैंकिंग का, RTGS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो मोबाइल के थ्रू होता है, यूनिफाइड पेमेंट जो UPI हम करते हैं, वो सारी चीज़ें इनको मिलेगी
एज ऑफ जनवरी 2022 देयर ओवरऑल 1.7 करोड़ फार्मर्स एंड 1.8 लाख ट्रेडर रजिस्टर्ड ऑन ईनाम। तो जनवरी 2022 तक कितने जो है लगभग 1.7 करोड़ तो फार्मर और 1.8 लाख व्यापारी जो है ईनाम से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और टोटल वैल्यू एग्री प्रोडक्ट कितनी है ईनाम की, तो 1.72 लाख करोड़ जो है इसकी वैल्यूज है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, जो दलहन दिवस है हमारा, विश्व दलहन दिवस जिसको हम बोल सकते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे, वो कब मनाया जाता है, तो याद रखना वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को जो है वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे जो मनाया जाता है 2022 को, उसकी थीम क्या थी, पल्सेस टू एम्पावर यूथ टू अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। पल्सेस टू एम्पावर क्या करेगा, यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो पल्स जो है एम्पावर करेगी यूथ को ताकि हम सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम को अचीव कर सकें। ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, विच स्पेसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड बाई CMFRI फ्रॉम इंडियन कोस्टल। अब CMFRI क्या है बच्चा, CMFRI क्या है, तो ये है सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, कोच्चि में है। कहाँ पर है, कोच्चि केरला में। 1947 में ये इस्टाब्लिश किया गया था कोच्चि केरला के अंदर, सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोच्चि केरला में है, 1947 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था। और ये अभी जो है अपना 75वां ग्लोरियस ईयर मना रहा है, 75 साल हो गए इसके इस्टाब्लिशमेंट को। ठीक है, तो कौन सी स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई इन्होंने, तो ये स्पीसीज है, ये इसका लोकल नेम है पोलावाटा। क्या नाम है, स्कॉम्बेरियर्स पेलेजिकस जो है पोलावाटा, इसको लोकल नेम है। इस स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया इंडियन कोस्टल के अंदर किसके द्वारा, तो CMFRI सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, ये समझ लो। अब ये जो है सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज आइडेंटिफाइड न्यू कैरेंजिट वेटा स्पीसीज। नाम क्या है, स्कॉम बेरोइड्स पेलेजिस फ्रॉम द इंडियन कोस्टल न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाई। किसने आइडेंटिफाई की, याद रखना, EM एब्डूस सेमद। ठीक है, नाम अजीब सा है, देख लेना। प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ CMFRI, ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, कहाँ के, CMFRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। इन्होंने आइडेंटिफाई की स्पीसीज बिलोंग टू द क्वीन फिश ग्रुप से आती है, और जो फिश इज लोकली नोन एज पोलावाटा इसका लोकल नेम है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, अजीब सा इनका सरनेम है, अब्दुस सामद नाम है इनका। इन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, याद रखना ये फिशरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। 10 को पल्सेस हो गया, 28 को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एट सल्तनतपुर नेशनल पार्क। इस बार 2022 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कहाँ पर मनाया गया था, तो सल्तनतपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो गुरुग्राम। कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में सल्तनतपुर नेशनल पार्क है, वहाँ पर 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया था। सबसे पहली बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था 2 फरवरी 1971 को, और इस बार जो उसकी दिस ईयर द थीम क्या है इसकी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम थी। और ईरानियन सिटी ऑफ रामसार में पहली बार किया गया था, और टोटल रामसार साइट जो है वो 49। टू मोर वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट टैक्स रामसार साइट्स नंबर 249 इन इंडिया, इंडिया टू न्यू रामसार साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्ट। कहाँ पे हैं, खिचादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात और बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। दो रामसार साइट इंडिया के अंदर और खोजी गई, तो रामसार साइट के बारे में आपको बता होना चाहिए इंडिया के अंदर दो कौन सी है, तो आपको बता होना चाहिए एक तो है खिचादिया गुजरात में है, और बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर यूनियन बजट अनाउंस्ड ए फंड्स टू फाइनेंस स्टार्टअप
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज फैसिलिटेट थ्रू विच इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सुविधा दी जाती है कि जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ है या जो यूनियन बजट फंड किया गया, जैसे क्या होता है कि जो रूरल एंड एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस हैं इनके स्टार्टअप के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट या दिया जाता है वो किस कौन उसको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करेगा, तो उसको फैसिलिटेट करेगा नाबार्ड, नाम ही क्या आ रहा है रूरल और एग्रीकल्चर, तो वो नाबार्ड ही करेगा। ठीक है, ये देखो द यूनियन बजट अनाउंस ए फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल राइज अंडर द इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मॉडल। देखो को इन्वेस्टमेंट मॉडल के थ्रू जितना भी पैसा कलेक्ट होता है, जितना भी पैसा आता है, ठीक है, उस पैसे को अगर हमें एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइजेस में लगाना है तो उसको किसके थ्रू लगाया जाएगा ये पूछा गया है। किसके थ्रू लगाया जाएगा, तो नाबार्ड के थ्रू लगाया जाएगा। ठीक है, किसान लोन वाली कहानी हमने देख ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट व्हाट इज द प्रपोज्ड गारंटी नंबर ऑफ डेट ऑफ वर्क इन मनरेगा। मनरेगा ये नाम 2006 में था और 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा कर दिया। ठीक है, 2006 में ये योजना आई थी, उसका नाम मनरेगा कर दिया, नरेगा कर दिया 2009 में। तो अभी इसमें कितने दिन चल रहे हैं, 100 दिन का इम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट थी जिसमें शिवसेना के कोई थे जादव साहब, उन्होंने बोला कि भाई इसको बढ़ाकर ज़्यादा दिन कर देना चाहिए, तो कितना दिन कर देना चाहिए, 150 दिन। क्यों कर देना चाहिए, कि जो गांव में जो रूरल पीपल हैं, जो लोग रहने वाले हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये इन्होंने बोला इसके अंदर। देखो द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ रिकमेंडेड इंक्रीज द गारंटी डे, ठीक है, वर्किंग 100 डेज टू लेकर 150 कर दिया जाए जो मनरेगा के अंदर। हाईलाइट दैट स्कीम्स लास्ट फॉल बैक ऑप्शन फॉर मेनी रूरल एरियाज। फॉल बैक ऑप्शन मतलब कि उनको सपोर्ट मिलेगा, जो रूरल बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको और सपोर्ट मिलेगा, बस यही बोला गया इसके अंदर। ठीक है, प्रताप राव जादव साहब ने, शिवसेना के मेंबर हैं ये। फिर बात करते हैं, एज पर द रिसेंट स्टडी विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज रिलीजिंग मोर कार्बन देन इट्स एब्जॉर्बिंग। जनरली जो नेशनल पार्क होते हैं उनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, वो कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं रिलीज करने की बजाय। जितने भी जो पेड़ पौधे होंगे या नेशनल पार्क होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, कार्बन को रिलीज़ कर रहा है एब्जॉर्ब करने की बजाय। कौन सा नेशनल पार्क है जो रिलीज़ कर रहा है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की बजाय, तो वो कौन सा है, कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, आसाम में है, जहाँ पर एक सिंग वाला जो गेंडा पाया जाता है। ठीक है, वो जो नेशनल पार्क है जो क्या कर रहा है, कार्बन को रिलीज कर रहा है एब्जॉर्ब करने के बजाय। तो रिसेंट रिसर्च में पाया गया कि नेशनल पार्क आसाम में जो है वो कार्बन को रिलीज कर रहा है एब्जॉर्ब करने की बजाय। यहाँ पर क्या होता है, आपको देखा होगा लार्ज पॉपुलेशन है, एक सिंग वाला जो गेंडा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वर्ल्ड के अंदर। यूजुअली देखो बोला गया है यूजुअली क्या, कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मोर कार्बन देन रिलीज विच इज मेक देम कार्बन सिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, और ये उल्टा किस वजह से हो रहा है, दिस इज मेनली ड्यू टू डिक्रीजिंग रेनफॉल इन दिस रीजन। इस रीजन में रेनफॉल कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कारण क्या है इसका, रेनफॉल का कम होना उस एरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड वर्क ऑन इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। अब फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क की बात हो रही है। अब ई वेस्ट इको पार्क, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या आएगा, जैसे ये बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक है, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। अब ये जब खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, तो इस वेस्ट को क्या करना है, इस वेस्ट को करना है उसके लिए ई वेस्ट इको पार्क पार्क बनाना है। तो कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी काम कर रही है उसके लिए, तो उसके लिए कर रही है न्यू दिल्ली। मनीष सिसोदिया का इसका इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया था कि हमें इको पार्क बनाना था ई वेस्ट के लिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस द सेटअप इंडिया इज द फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, 20 एकड़ में ये बनाया जाएगा। देख इसमें अभी प्रेजेंट जो है 200,000 टन ऑफ ई वेस्ट एवरी ईयर दिल्ली के अंदर, 200,000 टन ई वेस्ट एवरी ईयर दिल्ली के अंदर अभी निकल रहा है ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक। एट द ई वेस्ट इको पार्क रिसाइकिल एंड रीमैन्युफैक्चरिंग वर्क विल बी डन सेफ एंड साइंटिफिक मैनर। तो ये जो वेस्ट है 200,000 टन जो निकल रहा है, इसको वापस से क्या करेंगे, रिसाइकिल करके फिर से मैन्युफैक्चर करने के काम में लाया जाएगा। तो ई वेस्ट इको पार्क उसी को बोला जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। हेल्थ स्टार रेटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ, जो हेल्थ स्टार रेटिंग है,
ये किसका इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव है फसाई का। देखो फसाई किस पे काम करती है? पैकेज फूड। अब ये हेल्थ स्टार रेटिंग है क्या? जो हमारे पैकेज फूड है, जो पैकेज फूड है वो हम खाते हैं, तो कोई उसके लिए कोई रेटिंग तो आती नहीं। जैसे आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो उसमें रेटिंग दे देते हो, भैया घटिया ऐप है, अच्छी ऐप है, बढ़िया है, अच्छा कंटेंट है, ये वगैरह सारा चीज़ है। तो ऐसे ही जो हमारे पैकेज फूड, जैसे आप बिस्किट खाते हो है ना, जैसे कुछ भी चीज़ पैकेज फूड खाते हो, वो अच्छा है ख़राब है रेट कहाँ करोगे भैया कि ये अच्छा नहीं है, बेकार है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए जो है फसाई ने, हमारा जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी की बात करें, अगर अथॉरिटी की बात करें तो ये 2011 में आया था, और एक्ट की बात करें तो 2006 में, याद रखना फसाई अथॉरिटी 2011 और एक्ट 2006 में। तो जो फसाई है उसने हेल्थ स्टार रेटिंग का इनिशिएटिव शुरू किया ताकि जो पैकेज फूड है, जो खाद्य पदार्थ है, उनकी हम रेटिंग दे सकें, रेटिंग आप देख सको कि भैया कितना है, और रेटिंग कितनी 0.5 से लेके 5 तक आप रेटिंग दे सकते हो उसमें। ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लो इसकी, पैकेज फूड जो भी आप खरीद खिलाते हो। तो हेल्थ स्टार रेटिंग इज फ्रंट ऑफ पैक लेबल सिस्टम है, एक पूरा एक फ्रंट ऑफ पैकेज का एक लेबल सिस्टम है जिसमें आप रेट ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ पैकेज फूड, जो पैकेज फूड है उसकी जितनी पूरी प्रोफाइल है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, उसको हम रेट कर सकते हैं। रेटिंग जो है 0.5 से लेकर 5 स्टार हो सकती है, जिससे हमें क्या क्विक इजी एंड स्टैंडर्ड वे टू कंपेयर द सिमिलर पैकेज फूड एंड मोर स्टार एंड हेल्थियर डाइट। अब जैसे क्या होगा, जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो हमें ज़्यादा क्विक और इजी स्टैंडर्ड वे टू कंपेयर सिमिलर प्रोडक्ट, तो हम जो है सिमिलर प्रोडक्ट को इजीली कंपेयर कर पाएंगे रेटिंग के थ्रू, कि कौन सा अच्छा कौन सा अच्छा नहीं है। रेटिंग के थ्रू हम कंपेयर करते हैं, आज भी हम मोबाइल खरीदते हैं तो कंपेयर करते हैं ना भाई, रेटिंग देख किसकी रेटिंग ज़्यादा है उस हिसाब से हम कंपेयर करते हैं इसमें कितनी फैसिलिटी है क्या नहीं है, तो हम कर पाएंगे। और ज़्यादा अगर उसकी रेटिंग अच्छी है, ज़्यादा रेटिंग अच्छी है, तो हमारे लिए क्या होगा, हेल्दी चॉइस है। ठीक है भाई, तो फसाई ने इसको क्या किया, इनिशिएट किया था। फिर बात करते हैं पीएम किसान। पीएम किसान स्कीम्स कंप्लीटेड 3 ईयर, 3 साल इसने पूरा कर लिया। कब आई थी ये? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था पीएम किसान को। ठीक है, पीएम किसान को 2019 में लॉन्च किया गया, 3 साल के लिए लाया गया था इसको, 3 साल इसने पूरा कर लिया। अब 3 साल पूरा करने पर टोटल अमाउंट ऑफ कितना इसने जो है अपने फार्मर्स को दे दिया है, या जो बेनिफिशरी है इस स्कीम के थ्रू अभी तक, टू दी डेट अभी तक कितना जो है अमाउंट यहाँ पर दिया जा चुका है, तो 1.82 लाख रुपए पीएम किसान के थ्रू जो है किसानों को दिया जा चुका है। ठीक है, 3 साल के अंदर, तो डिटेल देख लो थोड़ी सी। ठीक है, तो पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड टू लैंड होल्डिंग फार्मर। अब लैंड होल्डिंग फार्मर में भी कौन सा, जो मार्जिनल फार्मर और जो स्मॉल फार्मर है उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, जो भी स्कीम्स होती है जनरली 80-90% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही होती है, तो ये जो स्कीम्स थी वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। कितना साल में, कितना, 6,000 रुपये पर साल, वो भी 3 किस्तों में दी जाती है, और हर 4 महीने में, 4 महीने में एक, फिर 4 महीने में एक, फिर 4 महीने में, तो 3 किस्तें, हर 4 महीने में एक किस्त इनको दी जाने लगी। अब इसकी सक्सेस, और ये डायरेक्ट किसानों के खाते में जाती थी, डीबीटी मतलब डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर। ठीक है, अब ये शुरुआत में सक्सेस किसके थी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। ठीक है, अब ये तो पता ही है, मार्जिनल फार्मर लेस देन 1, स्मॉल फार्मर 1 से 2। ठीक है, सेमी मीडियम 2 से 4, मीडियम 4 से 10, और लार्ज फार्मर का 10 से ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता है लैंड होल्डिंग। लेकिन इसकी सक्सेस के कारण, ठीक है, ये इसका स्कोप अच्छा था, स्कोप के कारण इसको एक्सटेंड कर दिया सभी फार्मर्स के लिए, चाहे वो स्मॉल मार्जिनल कैसा भी फार्मर, सबके लिए बढ़ा दी गई ये स्कीम कब, 1 जून 2019 से सभी फार्मर्स को, सिर्फ मार्जिनल स्मॉल नहीं, सभी फार्मर के लिए कर दिया गया। 22 फरवरी 2022 तक इसमें कितने बेनिफिशरीज थे पीएम किसान, लगभग 11.78 किसान इसके अंदर बेनिफिट इनको मिल चुका है, और लगभग 1.82 लाख करोड़ जो है वेरियस इंस्टॉलमेंट, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट अब तक हो चुकी है, उसके थ्रू लगभग 1.82 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ठीक है, और जो 1.29 लाख तो वो कोविड के टाइम पे ही दे दिए गए थे। चलिए, गवर्नमेंट हैज लॉन्च पर्पल रेगुलेशन, पहला क्वेश्चन बनेगा पर्पल रेगुलेशन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बनेगा कि पर्पल रेगुलेशंस किससे संबंधित है। दूसरा, पर्पल रेगुलेशंस को कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च पर्पल रेगुलेशन इन जम्मू कश्मीर, तो पर्पल रेगुलेशन जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ था, और जो पर्पल रेगुलेशंस है वो किस क्रॉप से संबंधित है, तो देखो मेरीगोल्ड नहीं हो सकता, रोज नहीं हो सकता, आलमंड नहीं हो सकता, दहलिया नहीं हो सकता, तो क्या है, लवेंडर।
लेवेंडर से संबंधित है, इस तरीके का है, पर्पल कलर का फ्लावर्स होता है ये, और ये इसका जो है लवेंडुला एंगेस्टिफोलिया नाम है इसका, ठीक है, लवेंडुला एंगेस्टिफोलिया इसका नाम है, क्योंकि बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है इसकी जगह, तो लवेंडुला एंगेस्टिफोलिया इसका नाम है, बॉटनिकल नेम है लवेंडर का, और लवेंडर को ही क्या बोला जाता है, अल्सो नोन एज पर्पल रिवोल्यूशंस बोला जाता है। वो जम्मू कश्मीर के जो फार्मर है वो ट्रेडिशनल खेती ना करके इसकी खेती पर जो है शिफ्ट हो गए, ताकि इनको ज़्यादा प्रॉफिटेबली यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो जो पर्पल रिवोल्यूशंस है, लेवेंडर कल्टिवेशंस को ही क्या बोला जाता है, पर्पल रिवोल्यूशंस बोला जाता है। और ये जो इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इनकम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की इनकम्स को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, ठीक है। अब इसमें जो है जो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे फार्मर्स, वो शिफ्ट हो गए किसके पास, लेवेंडर फार्मिंग पर, क्लियर है। तो ये पूरा जो हमने पढ़ा है वो हमारा फरवरी मंथ का करेंट अफेयर डिस्कस किया है। पूरे लेक्चर्स के अंदर मैंने कहीं भी आपसे ये नहीं बोला कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ भैया हमें कंटेंट अच्छा मिल रहा है, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। तो और कहीं भी मैंने फालतू बातें, बकवास बातें नहीं की कि भैया क्या है, फलाना ढिमका है, मेरा काम फोकस था पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ाना, और वो मैंने किया। अब आपका काम है, आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।